28 अक्टूबर को श्रीनगर से लापता हुए शारदा विश्वविद्यालय का छात्र एहतेशाम बिलाल आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। ये दुखद खबर हमने ही आपको सुनाई थी। अब ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आतंकवाद का रास्ता छोड़कर एहतेशाम बिलाल घर वापस लौट आया है। बिलाल के घर लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। एहतेशाम के लापता होने की खबर के बाद परिवार हैरान हो गया था। इसके बाद हाथ जोड़े हुए परिवार के सदस्यों की तस्वीरें स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुई, जिसमें एहतेशाम से कम अपने माता पिता के शव को कंधा देने के लिए घर लौटने की भावुक अपील की गई थी, जिसके बाद युवक अपने घर लौट आया। आपको बता दें कि बिलाल की घर वापसी में पुलिस ने भी परिवार का भरपूर साथ दिया। रविवार शाम लगभग 6:45 बजे एहतेशाम बिलाल अचानक घर लौटा और माँ इरफाना के गले लग कर रोने लगा। उसके मुंह और यूरिन के रास्ते खून निकल रहा था। उसने माँ से कहा कि मैं काफी बीमार हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो। एहतेशाम के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे से अधिक देर तक बात नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए। लेकिन जब वो अपनी माँ के गले लगकर रो रहा था तो सबसे पहले माँ ने पूछा था कि वो वायरल फोटो और ऑडियो किसका था जिसमें वो आतंकी बना हुआ था। बिलाल ने माँ को बताया कि वो वायरल फोटो और ऑडियो दोनों फर्जी था। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।